फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। आज उसका परफॉर्मेंस कैसा था और इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, और जो न्यू इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उन्हें क्या सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, पहले तो हम देख लेते हैं कि आज का परफॉर्मेंस कैसा था। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि आज एक ग्रीन कैंडल बन सकता है करके मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंगली आज जो है इसमें थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला। चलिए हम डेली परफॉर्मेंस देख लेते हैं, आज के दिन कैसा परफॉर्मेंस था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 13 रुपीज़ 45 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है, और इसने ओपन ओपन किया था 13 रुपीज़ 35 पैसे पर, और ये हाई लगाया था 13 रुपीज़ 60 पैसे पर, और ये लो लगाया है 13 रुपीज़ 35 पैसे। चलिए फ्रेंड्स, हम एनएससी के वेबसाइट में देख लेते हैं आज का कैसा कारोबार था और इसमें कितने लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 3 करोड़ के करीब जो है डिलीवरी उठाई गई है, और क्वांटिटी ट्रेडेड है लगभग 8 करोड़ के करीब जो है इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है, और डिलीवरी जो है 3 करोड़ के करीब जो है उठाई गई है। और परसेंटेज में बात करें तो ये जो है लगभग 38% की जो है इसमें डिलीवरी उठाई गई है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि 25% के ऊपर अगर कोई डिलीवरी उठाते हैं तो उसमें पॉजिटिव माना जाता है फ्रेंड्स। तो लगातार इसमें जो है मैं आपको हर वीडियो में बता भी रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा परसेंटेज की जो है डिलीवरी उठाई जा रही है फ्रेंड्स, तो इसमें पॉजिटिविटी अभी भी बरकरार है। चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देख लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा था और जो है कल का इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स कि एक रेड कैंडल जब बना था तब मैंने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आके रुका हुआ है येस बैंक करके मैंने आपको कल इंडिकेट भी किया था, और मैंने कल बताया भी था कि एक ग्रीन कैंडल बना सकता है करके मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। अकॉर्डिंगली आज आपको एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा। आज आज का जो है हाई लगाया था येस बैंक ने 13 रुपीज़ 60 पैसे। जिस जिसको भी प्रॉफिट हुआ है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और कल का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई तक पहुंच चुका है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि कल काफ़ी वोलाटाइल हो सकता है मार्केट। जैसे कि आपने आज भी देखा होगा कि काफ़ी वोलाटिलिटी थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होता हुआ दिखा था आपको निफ्टी। तो अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि कल भी वॉलेटिलिटी ज़रूर बरकरार रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, तो जो भी नए नए ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि कल वेट एंड वॉच कीजिएगा, मूवमेंट को चेक करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आपको दोबारा से 14 रुपीज़ का लेवल टच करते हुए दिख सकता है फ्रेंड्स। तो अगर हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो MACD जो आपको लगातार बता रहा हूँ कि वॉल्यूम बार्स, काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम बार्स और वो भी पॉजिटिव जोन के वॉल्यूम बार्स बता रहा है। RSI जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, और विलियम परसेंटेज भी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है। सारे सिग्नल जो है इसमें पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि कल हो सके तो 1-2 दिन में जो है एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख सकता है फ्रेंड्स। तो जो ऑलरेडी परचेस करके हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि होल्ड कीजिएगा, और जो करना चाह रहे हैं उन्हें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुसार 30-30-30% का जो है अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ये लेवल पे अभी एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए था। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।